And look at my little जा रही हूँ जिसकी हो चुकी हुई है टिंड। उई, मारिश की टिंड हो गया गाइस। इधर देख मारिश, सीधी हो ना, सारा मुंह चॉकलेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा। और आज का जो व्लॉग है वो इतना ख़ास नहीं, वो बस ऐसे ही है कि आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन दिखाऊंगी कि मैं स्कूल तो नहीं दिखा सकी क्योंकि स्कूल मैं गई नहीं। और स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरे मामू की तबीयत नहीं ठीक थी। पहले मेरी नहीं ठीक थी, मूड की नहीं ठीक थी, फिर अब मामू ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई मामू की। और अभी जो है ना सुबह के टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 हो रहे हैं और हमारे घर पे जी ये लगा हुआ है। और इन दो की फरमाइश पे ये चेक कर, ज़रा गंदे हालों में बच्चे हमारे अभी तक हैं। अभी अभी ये दोनों नवाब उठे हैं और वो फ़ोन पे लगी है अभी भी। और अभी हमारा सफाई वगैरह हो रही है अभी। सुबह हुई थी बारिश तो ये बारिश का पानी अभी भी है। और मामा जो है वो कुछ नहीं होता, अभी सुबह का टाइम है, सफाइयाँ हो रही हैं। मम्मा जो है वो अहमद मारुश के लिए खाना बना रही है क्योंकि हमारा तो रोज़ा है। रोज़ा मैं आज दिन में जो भी करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी, ओके? तो अभी पहले क्या कर सकते हैं, अभी हम टीवी देखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हमने अपने कपड़े सेट करने हैं अलमारी में, तो जब हम कपड़े सेट करेंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे, समझ लें। आज मेरा वॉर्डरोब वो भी हो जाएगा टूर, जो कि बहुत थका सा होएगा। तो हम पहले अहमद से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। दिल कर रहा था हाय तो करो गाइस को, पूछो क्या हाल चाल है उनके, ठीक हो आप लोग? अहमद कैसा है गाइस, पूछ रहे हैं, आप बताएं आप कैसे हैं, आप बताएं आप कैसे हैं, ठीक हो? तो आप कैसी हैं? चलो ये तो दुखी आत्मा इस टाइम। तबीयत खराब है। बहनी की तबीयत खराब है? मेरी तो ठीक है। बहनी का मुंह भी खराब है, बहनी के बाल भी खराब है, बहनी की नीयत भी खराब है। मारिश रोई है गाइस, पता नहीं क्यों रोई है पर रोई है। अभी मैंने बोला था कि हम काम करेंगे लेकिन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। नूर मामा गई थी जो है कटिंग करवाने मारिश की, और मैं आपको अब एक बच्ची दिखाने जा रही हूँ जिसकी हो चुकी हुई है टिंड। उई, मारिश की टिंड हो गया गाइस। इधर देख मारिश, सीधी हो ना, सारा मुंह चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, कपड़े चॉकलेट चॉकलेट, हाथ में भी है। और अहमद भी वहाँ से होके आया हुआ है। और अब हमारे हो गया है ट्यूशन का टाइम और हम जाएंगे ट्यूशन। कपड़े वगैरह मामा फिर आके बताओ, कपड़े जब मैं आऊँगी तब करेंगे, ओके? हो गया, तो अब हम निकलते हैं ट्यूशन के लिए। मेरे टीवन चल रहे हैं जो कि मैंने कुछ नहीं दिए, तीन नहीं दिए क्योंकि तबीयत ख़राब थी और आज तो स्कूल वैसे ही नहीं जा सकी। मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है इतनी, मतलब है ही नहीं, धूप निकली हुई है लेकिन इतना उसका ना रेज उसकी ना नीचे नहीं आ रही थी। तो अभी हम चलेंगे ट्यूशन और फिर वहाँ, मतलब रास्ते में थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे जाती हूँ, अकेली जाती, पैदल जाती हूँ और कैसे जाती हूँ। मुझे कमेंट भी लोगों ने किया था, गरीब लजना से पैदल जाती है स्कूल। तभी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं चाहे लजना से पैदल जाऊँ, चाहे मैं टाउनशिप से पैदल आऊँ, चाहे मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, आनी मैं अपने पैरों, तो ठीक है ना? तो इट्स मीन ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं आए या हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है तो हम इस वजह से आते, इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी जो है, मैं खुद आती हूँ, मैं खुद जो है वो ब्रेव बनना चाहती हूँ, मैं पीछे रिक्शे से आती हूँ, आगे गलियों में तो अब रिक्शा नहीं ना आता, इसीलिए मैं पैदल वहाँ से आती हूँ। तो अब अगर किसी ने मुझे ऐसा पेमेंट किया ना, मैंने उसका अकाउंट ब्लॉक कर देना है।
तो जी हम आ गए थे ट्यूशन से वापस आके जो है वो अब हम मामा कह रहे दो ग्लास चावल को अब जो है वो तैयारियां चल रही हैं अफ्तारी की। तो नूर पकौड़ों का इंतज़ाम कर रही है और अभी चावल बनने हैं जो है अब काफ़ी काम है। अभी अभी मम्मा ने कपड़े धोए थे तो अभी हम कपड़े डालने जाएंगे ऊपर छत पे। सो आप भी चले हम ऐसा छत पे चलते हैं कपड़े डालने। और मौसम भी आज का शुक्र है ठीक था पर धूप निकल आई थी बाद में। और चलते हैं चल के कपड़े डालते हैं। तो गाइज अभी हम जो है वो फ्रूट्स काटेंगे और फिर बनाएंगे क्रीम चाट और अभी तो काफ़ी टाइम है तो पकौड़े वगैरह तलेंगे और जो है वो बाहर से ही लेके आएंगे बाकी समोसे वगैरह क्योंकि हमें तो बनाने नहीं आते हैं। मुझे आते हैं मगर बनाए नहीं इन्होंने। बदतमीज़ है ये लोग। जिस दिन अफ्तारी कराएंगे उस दिन भी एक व्लॉग आएगा और उस दिन बहुत अच्छा व्लॉग और वो आपने मस्त देखने मस्त क्या कहते हैं मरियम व्हाट इज दिस मस्ट ही मस्त देखना उस दिन आपने व्लॉग मस्ट देखना है ठीक है। सो गाइज अब मैंने फ़ोन रख दिया और अभी हम बनाएंगे चीज़ें और नूर अभी मुझे बताएगी कि मैंने क्या करना है। तो नूर मरानी को चीज़ें बताओ उसने क्या करनी है। अच्छा ये मैं करती हूँ ना गाइज हम क्रीम को क्या करेंगे मेरा सर जो भी करेंगे इसके इसको मिक्स करेंगे चीनी डाल के ताकि जब हम खाएं चीनी के बनना ताकि ये जो इतनी गाढ़ी है ना थोड़ी सी सही हो जाए। ये तो मेरा बिल्कुल कुछ नहीं ये अभी इतने मजे की लग रही है ना गाइस दिल चाह रहा केक पे डाल के खाए बना लो। अब हम इसको वॉश करेंगे यार पानी नहीं आ रहा कूलर से गाइस और भी बड़े अभी काम करने सबर करें हमारा पानी जा रहा है। आगे नहीं आ रहा मैं खराब कर रही चीजें पागल। और कुछ काम है तो मैं रानी को बोल दो कहाँ जा। यहाँ पे हो रही है मुसलसल हमारी बिस्ती ठीक है तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तुम करो अकेली काम ठीक है ना हम जा रहे हैं हमें पैसे दे दो हम जाकर चीज़ें ले आई। और तो जी अब जो है वो यहाँ हो रहे हैं पकौड़े फ्राई वहाँ बन रहे हैं मटरों वाले चावल और ये समोसे और ये टैंक बन रहा है और फ्रूट क्रीम चाट जो है वो बन चुकी है और अभी बकाया ये चीज़ें कुछ बन रही हैं। सो गाइज
सो गाइज रोज़ा अफ्तार हो चुका था और हमें पता ही नहीं चला और एकदम से बस आवाज़ आई और अब हम लोगों ने अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। उसने कर भी लिया। तो हम अफ्तारी करके फिर गाइज हमने अफ्तारी कर ली थी, उसके बाद सब कुछ हो गया था। अब हम लोग जो है वो लेट गए थे क्योंकि अफ्तारी के बाद सबको सुस्ती पड़ जाती है और ये लोग फिल्म देख रहे हैं और चेक करें। ये बच्चा हमारा उठ गया था। मारुष इधर देख। अच्छा एम बोलो व्लॉग को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चलो मम्मा आप भी को कहो तो सही कह दो लोग को लाइक करें, लोग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मामू को चेक करें गाइस। लव यू ऑल, बाय गाइस। ब्लॉग को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल को मस्ट मस्ट कर। बस उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नीड योर सपोर्ट गाइस।